this press conference. And thank you. बहुत short notice पे आप सभी लोगों ने cooperate करते हुए आप सभी लोग यहाँ पे आए और इस press conference को cover कर रहे हैं. आज के press conference में दो incidents हैं जिनके बारे में हम आपसे share करना चाहते हैं. सबसे पहला है एक बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू पुलिस को मिली है जिसमें हमने 53 kgs ऑफ चरस दो ऑपरेशंस में रिकवर किया हुआ है. इसमें पहला ऑपरेशन जो है जिसमें ट्रक बेयरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर JK02V8028 जो कि कश्मीर वैली की तरफ से आ रहा था जम्मू की तरफ, उसको हमने बन में रोका है और उसकी सर्च के दौरान हमें 73 पैकेट्स ऑफ प्रोसेस्ड कैनबिस चरस मिले हैं जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 51 किलोग्राम्स हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ तक जाएगी. इसमें केस एफ आई आर नंबर 62/2020 अंडर सेक्शन 8-20-25 NDPS एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ है और जो ड्राइवर नेमली इकबाल सिंह सन ऑफ नरजन सिंह विजयपुर सांबा का रहने वाला, उसको अरेस्ट किया गया है. इसी के साथ साथ इन कंटिन्यूएशन दूसरा ऑपरेशन चला जिसमें नगरोडा पुलिस स्टेशन की टीम ने व्हीकल तवेरा बेयरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर JK12-9727 को स्टॉप करके सर्च किया. सर्च के दौरान हमें 2 kgs ऑफ अगेन हाई क्वालिटी प्रोसेस्ड कैनबिस मिला जिसमें केस एफ आई आर नंबर 124/2020 अंडर सेक्शन 8/20 NDPS एक्ट रजिस्टर किया गया है और उसमें जो ड्राइवर अरेस्ट हुआ है उसका नाम आशिक हुसैन मंटू रहने वाला बीज बिहारा का, वो इसमें गिरफ्तार हुआ है. इन टोटल इन दो ऑपरेशंस में अप्रॉक्सीमेट 53 किलोग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी कैनबिस हैज़ बीन सीज्ड. दो लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, एक ट्रक और एक तवेरा, दो व्हीकल्स इसमें सीज की गई है. जहाँ तक नशे का कारोबार है और उसकी तस्करी का ताल्लुक है, हम लोगों का दो डिफरेंट पहलू पे काम कर रहे हैं. पहला है सप्लाई साइड को क्रश करना जिसमें कि जितने भी मॉड्यूल्स इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो हेरोइन है, चरस है, पॉपी स्ट्रॉ है या प्रोसेस्ड ड्रग्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उन सभी के मॉड्यूल्स को आइडेंटिफाई करना, डिफरेंट लेयर्स उसके उनको सामने लाना और हर एक लेयर पे, जिसको हम कहते हैं कि बड़ी से लेके छोटी से छोटी मछली, उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई हम करेंगे. और जहाँ तक डिमांड साइड की बात है, डिमांड साइड में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडिक्शन से, नशे से बाहर ला सकते हैं, उनको बाहर लाएंगे. ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हम लोग यहाँ पे चलाते हैं, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने काम शुरू कर दिया हुआ है. बहुत जल्द हम एक और नया ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जम्मू के लोगों के सेवा में रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा इस नशे में लिप्त हो चुके हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. हम आपके ज़रिए से सभी स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे युवाओं के बारे में यहाँ पे जम्मू में सुनने को मिलता है कि ड्रग्स के खिलाफ बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं. एक डेडिकेटेड नंबर जम्मू पुलिस ने इसमें लॉन्च किया हुआ है 9086100100, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है. बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, अपील रहेगी कि जितने ज़्यादा लोग ड्रग्स के खिलाफ के जो ये इस अभियान में जुड़ जाएंगे, जितना बड़ा नेटवर्क हम लोगों का बनेगा, उतना ही जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनका नेटवर्क छोटा होता जाएगा. मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी जम्मू वासियों को कि इस नंबर का ही नहीं और भी हमारे जो 100 नंबर है उसका इस्तेमाल करें. ड्रग्स के खिलाफ हमने जो एक जंग छेड़ी है उस जंग का हिस्सा बने और जम्मू को जितना जल्द हो सके ड्रग फ्री करने की हमारी कोशिश में हमारा साथ दें. थैंक यू. वेरी नोटोरियस वेपन स्मगलर और डीलर नेमली विकास कुमार अलियास विक्की सन ऑफ ज्ञानचंद गोरखानगर जम्मू, इसको हम लोगों ने जम्मू पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है बिश्ना से. बिश्ना पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई के दौरान इसके एक अकम्प्लाइस नेमली कुंवर योगेश सन ऑफ कुंवर सुंदर सिंह गोरखानगर, इन दोनों को इसमें अरेस्ट किया हुआ है और उनके डिस्क्लोजर पे एक कंट्रीमेड पिस्टल, एक मैगजीन, 3 कार्ट्रिजेस रिकवर हुए हैं. केस एफ आई आर नंबर 44/2020
अंडर सेक्शन 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस स्टेशन बिस्ना में इसमें रजिस्टर्ड है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि गांधीनगर में 21 अगस्त 2019 में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। उस फायरिंग इंसिडेंट में योगेश जख्मी हुआ था और उस केस को सॉल्व करते हुए ये आज यहाँ पे पता चल रहा है दैट योगेश ने अपने एक फ्रेंड दलविंदर बाहू, इन दोनों ने मिलके एक कंस्पिरेसी के तहत अपने ऊपर फायर किया हुआ था। दलविंदर बाहू फायर्ड अपॉन योगेश इन दैट इंसिडेंट, जिसमें FIR नंबर 225/2019 अंडर सेक्शन 307 RPC और 3/25 आर्म्स एक्ट पुलिस स्टेशन गांधीनगर में रजिस्टर्ड है। जहां तक इलीगल वेपन का ताल्लुक है, अभी तक स्टेज जो है इन्वेस्टिगेशन का स्टेज प्रिलिमिनरी और इनिशियल है, इतना पता चला है कि ये वेपन उन्होंने हमारे यूटी के बाहर से प्रोक्योर किया हुआ है, उसके बारे में लीड्स हमें मिले हैं और जो जहां से उन्होंने वेपन लिया हुआ है उस तरफ हमारी टीमें रवाना हो चुकी हैं। उस एस्पेक्ट को अभी ज़्यादा हम रिवील कर नहीं पाएंगे, इतना ज़रूर बता देंगे कि जो कंट्री मेड पिस्टल्स और उनका यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों ने कड़ी नज़र रखी हुई है और जो भी लोग इन चीज़ों में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। मोटिव क्या था जो उसने गोली चलाया है? जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस फैल रहा है और खासकर जम्मू में बहुत सारे दो केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, क्या आप लोग कुछ अपने तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स जो पब्लिक को बोलना चाहिए या खुद आप ले रहे हो इस बारे में थोड़ा? जहां तक कोरोना वायरस के इशू का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे किए हैं, आप सभी लोगों को पता है। जहाँ जहाँ पे सिम्टम्स पाए जा रहे हैं उन लोगों के सैंपल्स भी टेस्ट हो रहे हैं, जो लोग सिम्टम्स नहीं है उन लोगों को प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं उसके बारे में फीडबैक दिया जा रहा है। लोग जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर से है उनको होम क्वारंटीन के लिए हम लोग उनके अपने घर में रख रहे हैं और साथ साथ उनको मॉर्निंग इवनिंग उनके पास जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बेसिक हाइजीन है उस बेसिक हाइजीन को मेंटेन करें। जहाँ जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जो सस्पेक्टेड कंट्रीज़ है, 12 कंट्रीज़ का लिस्ट गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है जिनकी सस्पेक्टेड ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उन ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी है वहाँ से आए हुए सभी लोगों से गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की हुई है कि जिनको सिम्टम्स है वो अपना टेस्ट करा दें। जो अथॉरिटीज़ मेडिकल टीम्स वहाँ पे लगी हुई है उनके साथ कोऑपरेट करें। हमने एक हैंडआउट हमारी पुलिस की तरफ से भी जनरल अवेयरनेस के लिए इशू किया हुआ है, उस हैंडआउट की कॉपी भी हम आपको अभी प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम कहते हैं कि जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट जितना हो सके जो जिनकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है और पर्टिकुलरली इन 12 कंट्रीज़ के साथ ट्रैवल हिस्ट्री है उनके साथ फिज़िकल कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। कफिंग और स्नीजिंग जिनको हो रही है उनसे एक बेसिक मिनिमम डिस्टेंस जो कि 5 फीट के आसपास है वो मेंटेन करें। और जहाँ जहाँ पे भी हम होम क्वारंटाइन के लिए या टेस्ट सैंपल के लिए लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल आने के लिए, वहाँ पे कोऑपरेट करें। आज कुछ लोगों को आज हमने यहाँ पे भगवती नगर में जो उनके इश्यूज़ थे वो सॉल्व करने के इरादे से, या जैसे कुछ लोगों को होम क्वारंटीन से सैंपल के लिए वहाँ पे लिया हुआ है, भगवती नगर में भी आपके मीडिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आए थे, उनसे सभी मीडिया वालों से रादर में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो फैसिलिटीज़ हमने क्रिएट की गई है वो एक क्वारंटीन फैसिलिटीज़ है। क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के अंदर जाना तो देर आर प्रोटोकॉल्स नो डिवाइज्ड फॉर दैट, तो उसमें आप पहले वहाँ पे जो भी इंचार्जेस है उनसे बात करें, डिस्कस करें और उसके बाद परमिशन लेके और अपने प्रिकॉशंस लेके ही आप वहाँ पे जाएं। जो आपके जवान हैं फील्ड में पेट्रोलिंग पे हैं, पुलिस स्टेशन में हैं, क्या उसको आपने एडवाइजरी उनको जारी की है? यस, सभी पुलिस वालों के लिए एडवाइजरी प्लस आपने देखा होगा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्लूडिंग जम्मू, हमने उनके अवेयरनेस के लिए भी अब अपने इंटरनल एक प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। जो लोग डायरेक्टली उन फैसिलिटीज़ पे डिप्लॉयड हैं उनके लिए मास्क, हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइजर्स, उनका इंतज़ाम हम लोगों ने किया हुआ है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट वहाँ जो डिप्लॉयड पुलिस वाले हैं उनके लिए हमने किया हुआ है। वही चीज़ हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी से जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए उन लोगों के लिए।